मेंस एमसीक्यू सीरीज में कुछ बायो के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आइकॉर्निया स्प्रेड्स। तो आइकॉर्निया के स्प्रेड करने की रेट के बारे में पूछा है कि वो स्लो स्प्रेड होता है या फास्ट स्प्रेड होता है या फिर वीकली। तो आइकॉर्निया स्पीसीज जो है वो बहुत फास्टली स्प्रेड करती हैं, और आइकॉर्निया जो प्लांट है उसका इंट्रोडक्शन इंडिया में किया गया था क्योंकि उसके फ्लावर्स का कलर था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, लेकिन बाद में एज ए एग्जॉटिक स्पीसीज इसको माना गया है, जिसे हमने दूसरे कंट्रीज से इंट्रोड्यूस किया और एट प्रेजेंट ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। और इसकी वजह से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है कम्प्लीटली, और इसके नीचे जो भी फिशेज हैं, जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उनकी डेथ हो जाती है। बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, स्पॉट द कार्निवोरस एनिमल। यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं ज़ेब्रा, सी हॉर्स, सील और राइनोसेरस, इनमें से हमें कार्निवोरस एनिमल बताना है। तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से करेक्ट आंसर हमारा होगा सी हॉर्स, दैट इज ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो केवल प्लांट्स पे फीड करते हैं। ज़ेब्रा, बफेलो, गोरिल्ला, हॉर्सेस, ये कुछ हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल हैं। सी हॉर्स की अगर हम बात करें तो सी हॉर्स जो है इट ईट्स अ मिक्सचर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल मैटर। जो सी हॉर्स है वो सकिंग जो उसका मेथड है उससे वो फूड को इनटेक करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केलेटन ऑफ सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेट जो होते हैं, पहले टर्म यूज़ किया जाता था, इसके अंदर दो किंगडम हम इन्वॉल्व करते थे, दो क्लासेस जो थी टीनोफोरा और निडेरिया। और ये दोनों, इनके अंदर जो एसेंशियल सिम्टम ये होता है कि इनके अंदर जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो पाइप लाइक ऑर्गन प्रेजेंट है विद टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस। अगर हम इसके स्केलेटन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होते हैं कोरल्स। सिलेंट्रेट में स्पंजेस डिफरेंट है, फ्लावर्स भी इसमें नहीं होते, तो करेक्ट आंसर है इसका कोरल्स। एक्सप्लेनेशन है कि जो नेम है सिलेंट्रेटा का वो आया है इनके हॉलो बॉडी कैविटी की वजह से। हॉलो बॉडी कैविटी होती है इनके एलिमेंट्री कैनाल की प्रेजेंस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 है ओनली वन स्पीसीज इज स्टडीड इन ग्रेटर लेंथ अंडर। अगर एक ही स्पीसीज की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे। ऑर्टिकोलॉजी और सिनकोलॉजी दोनों हमने स्टडी करी थी। अगर एक स्पीसीज की स्टडी की जाती है तो वो होगा ऑर्टिकोलॉजी, और अगर बहुत सारी स्पीसीज की स्टडी करी जाएगी तो वो होगी सिनकोलॉजी। हमें पूछी है एक स्पीसीज की स्टडी, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, दैट इज ऑर्टिकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5 है पॉपुलेशन इकोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज। पॉपुलेशन इकोलॉजी यानी कि वही दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज की स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो वही पॉपुलेशन इकोलॉजी होगी, और उसे हम क्या कहते हैं, सिनकोलॉजी, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सॉइल इज, यानी कि वो सॉइल जिसके अंदर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो करते हैं उसके बारे में कोई एक इंपॉर्टेंट फीचर बताना है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो यही आता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को इंसेक्ट ट्रैप करने की ज़रूरत क्यों होती है। तो इसका रीज़न यही है कि वो ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है, और हमारे इंसेक्ट्स जो है उनके अंदर काइटिन प्रेजेंट होता है जो जिसके अंदर नाइट्रोजन का एक हाई अमाउंट होता है। तो इंसेक्ट्स पर फीड करके ये प्लांट्स अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, वो सॉइल है वो डेफिशिएंट है नाइट्रोजन में, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है विंटर स्लीप किसे कहते हैं। तो दो टर्म्स आती हैं हमारे पास, एक आती है विंटर स्लीप और एक आती है समर स्लीप। विंटर स्लीप है उसे हम कहते हैं हाइबरनेशन। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। हाइबरनेशन इज अ स्टेट ऑफ डॉर्मेसी। डॉर्मेसी यानी कि ऐसी स्टेट है जहाँ पे एक्टिविटी जो भी ऑर्गेनिज्म में हो रही है वो एकदम मिनिमम हो जाएगी। Entered into by many animals during the winter. बहुत सारे animals हैं वो hibernation की state में चले जाते हैं winter के time पे, और इनमें से जो animals हैं वो mostly वो होते हैं जो cooler latitudes पे present है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। In this state the metabolism is slowed down. एक important चीज़ hibernation और estivation के बारे में ये है कि यहाँ पे जो metabolism है वो बहुत कम हो जाएगा, temperature है वो भी fall हो जाएगा। तो इस hibernators include, इसमें examples कौन कौन है hibernators के, फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये सब है, इनके अंदर हाइबरनेशन होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, समर स्लीप क्या है। समर स्लीप होता है एस्टाइवेशन।
एस्ट्राइवेशन और हाइबरनेशन दोनों हमने स्टडी कर लिए. एस्ट्राइवेशन हो चाहे हाइबरनेशन हो, दोनों के अंदर ही जो एक्टिविटीज़ हैं वो मिनिमम हो जाती हैं, टेम्परेचर भी जो है वो कम हो जाएगा. मतलब हमें एनर्जी या फिर जो भी स्टोरेज फूड है उसे मैक्सिमम हमें स्टोर करके रखना है. एस्ट्राइवेशन क्या है, ये भी एक एनिमल डॉर्मेसी की स्टेज है हाइबरनेशन की तरह ही, लेकिन ये कब होती है, और हाई टेम्परेचर्स के टाइम पे अगर कोई एनिमल है वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा तो उसे हम कहते हैं एस्ट्राइवेशन. जो फ्रॉग्स होते हैं उनमें हमें एस्ट्राइवेशन और हाइबरनेशन दोनों ही देखने को मिलता है. उसके अलावा जो लिजार्ड्स होती हैं उनके अंदर हम यूजुअली हाइबरनेशन देखते हैं, और बियर्स जो पोलर बियर्स होते हैं उनमें भी हम हाइबरनेशन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर डैश ड्यूरिंग हाइबरनेशन. तो हाइबरनेशन हो या एस्ट्राइवेशन हो, दोनों का जो मेन मोटिव है वो यही है कि जो भी हमारे पास स्टोरेज प्रेजेंट है, जो भी एटीपी प्रेजेंट है, उन सबको हमें कंजर्व करना है. इसलिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, टेम्परेचर, हार्ट रेट, जिस भी तरह की एक्टिविटी बॉडी की हो रही होती है वो सब मिनिमम प्रेजेंट होती है. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, इन एन इंसेक्ट डॉर्मेसी इज, इंसेक्ट के अंदर जो डॉर्मेसी होगी उसे हम एस्ट्राइवेशन या हाइबरनेशन नहीं कहते हैं, क्योंकि वो जो विंटर सीजन है या समर सीजन है उस बेसिस पे नहीं होती है. तो इसीलिए इंसेक्ट की अगर डॉर्मेसी है उसके लिए एक स्पेशल टर्म है जिसे हम कहते हैं डायापॉज. तो वही सेम है यहाँ पे भी, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो सब मिनिमम होंगी. तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 11 है, मिनरलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट रिफर्स टू. अब मिनरलाइजेशन को यूजुअली इस चीज़ से कंफ्यूज किया जाता है कि सॉइल में अगर मिनरल का कंटेंट ज़्यादा है या फिर ऐसी कोई प्रोसेस जिससे मिनरल का अमाउंट बढ़ रहा हो सॉइल में उसे मिनरलाइजेशन कहेंगे. तो ऐसा नहीं है, सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, जो सॉइल फॉर्मेशन यूजुअली होता है वीदरिंग ऑफ रॉक्स से, रॉक्स को जब बहुत सारे अलग अलग लाइकेंस उसके अलावा कुछ मॉसेस वगैरह उसके ऊपर ग्रो करके जब उसका ब्रेक डाउन करती है तो सॉइल फॉर्मेशन होता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन. पहला है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम वेजिटेबल वेस्ट. वेजिटेबल वेस्ट से सॉइल का फॉर्मेशन नहीं होता है, रॉक्स से होता है हमेशा. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स. क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, हर्मिट क्रैब एग्जिबिट्स. हर्मिट क्रैब की अगर हम बात करें तो उसमें कमेंसालिज्म होता है. कमेंसालिज्म एक पॉपुलेशन इंटरैक्शन है जिसमें एक पॉपुलेशन को बेनिफिट होता है और दूसरे पॉपुलेशन है वो न्यूट्रल रहता है. तो हर्मिट क्रैब के साथ में जो दूसरी स्पीसीज इन्वॉल्व होती है वो होती है सी एनिमोन. तो सी एनिमोन और जो हर्मिट क्रैब है दोनों में से किसी को भी यहाँ पे डिसएडवांटेज नहीं होता है इस पॉपुलेशन इंटरैक्शन का. तो ये एग्जाम्पल हुआ कमेंसालिज्म का. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, टेंसले गेव द टर्म इकोसिस्टम इन विच ईयर. तो ठीक है, टेंसले ने इकोसिस्टम टर्म दी थी सबसे पहले, और ये कौन से ईयर में दी थी, ये दी थी 1935 में. तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 14 है, टोपोग्राफिकल फैक्टर्स इंक्लूड. जो टोपोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स जो हमारे सॉइल से एसोसिएटेड होते हैं उन्हें हम इंक्लूड करते हैं टोपोग्राफिकल फैक्टर्स में. एल्टीट्यूड है, डीपनेस है, स्लोप है, ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो टोपोग्राफिकल फैक्टर्स में इंक्लूड किए जाते हैं. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी. एक्सप्लेनेशन है इसका, एग्जाम्पल्स ऑफ लैंड टोपोग्राफी इंक्लूड. जैसे कि अगर लैंड को अगर हम टोपोग्राफी बेसिस पे अलग अलग बताना चाहें तो माउंटेन्स होते हैं हमारे, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, ये सब टोपोग्राफिकली अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो है. माउंटेन्स आर द मोस्ट डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ लैंड टोपोग्राफी मेनली ड्यू टू द एल्टीट्यूड. माउंटेन्स के अंदर एल्टीट्यूड ज़्यादा होता है और इस वजह से ये बाकी जो लैंड की टोपोग्राफी है उनसे बहुत अलग होते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ डज द टेम्परेचर एक्ट. टेम्परेचर किस तरह का एक फीचर है. अगर टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसी की होती है, क्योंकि टेम्परेचर नहीं तो हीट, हीट नहीं तो लाइट, ये सब फैक्टर्स इंटर रिलेटेड होते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लाइमेटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर भी टेम्परेचर होता है, और इसीलिए ये लिमिटिंग फैक्टर होता है मैक्सिमम केसेस में. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 16 है, एनर्जी फ्रॉम द सन इज ट्रैप्ड बाय. सन की एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ पूरे यूनिवर्स में अगर कोई ट्रैप कर सकता है तो वो है ग्रीन प्लांट्स, और जिसकी वजह से आगे हमारी जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, फोटोसिंथेसिस. तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स कौन है. सन जो है हमारी पूरी अर्थ के लिए सोर्स है एनर्जी का. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी.
क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल. सॉइल के अंदर टोटल वाटर का जो अमाउंट प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हॉलार्ड. तो ये साइंटिफिक टर्म है, इसे डायरेक्टली याद रखना है. करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, हॉलार्ड. और ईकार्ड क्या होता है? ईकार्ड मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स. टोटल वाटर में से वो वाटर का पार्ट जो कि प्लांट्स को अवेलेबल नहीं है वो होगा ईकार्ड, और टोटल वाटर जो लैंड में प्रेजेंट है, अर्थ में प्रेजेंट है, वो होगा हॉलार्ड. ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की. डैश कंटेन्स वेलामिन. तो वेलामिन एक हाइग्रोस्कोपिक टिश्यू होता है जो प्रेजेंट होता है एपीफाइट्स की रूट्स के अंदर, और वेलामिन की प्रेजेंस से जो एपीफाइट्स की रूट हैं वो एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, सॉरी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन डी, दैट इज एपीफाइट्स. क्वेश्चन नंबर 20 है, ह्यूमस क्या है? सॉइल फॉर्मेशन के टाइम पे ह्यूमस फॉर्मेशन होता है जो कि एक डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल है जो फर्टाइल होता है बहुत ज़्यादा और सॉइल में प्रेजेंट होता है. हार्मफुल नहीं होता है ये, इट इज़ अ डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल. तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसका? ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 21 है, ह्यूमस इज फाउंड इन. तो ह्यूमस सॉइल का पार्ट है तो सॉइल में ही प्रेजेंट होगा. तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसका? ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश आर पर्टेनिंग टू सॉइल. एडेफिक फैक्टर्स होते हैं, उसका मतलब ही यही होता है, पर्टेनिंग टू सॉइल. तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसका? ऑप्शन ए. एक्सप्लेनेशन है, एडेफिक मींस रिलेटिंग टू सॉइल एस्पेशली एज इट अफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म. और एडेफिक कैरेक्टर्स में क्या क्या आते हैं? सॉइल का जो वाटर कंटेंट है, एसिडिटी है, एरेशन है, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी क्या है, ये सब होते हैं सॉइल के एडेफिक कैरेक्टर्स. क्वेश्चन नंबर 23 है, द विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड प्रिवेंट्स. विटामिन सी जो मैक्सिमम हमारे सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है जिसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, ये किसको प्रिवेंट करता है? तो जो स्कर्वी डिजीज है उसको विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है. अगर विटामिन सी के इनटेक को बढ़ा दिया जाए तो स्कर्वी डिजीज से हम बच सकते हैं. एक्सप्लेनेशन है इसका, द बॉडी यूजेस विटामिन सी. विटामिन सी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? स्किन फॉर्मेशन में होता है, टेंडन्स के फॉर्मेशन में, लिगामेंट्स, ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन में. उसके अलावा हम विटामिन्स का यूज है वो रिपेयर में भी करते हैं जो कि कार्टिलेज की मेंटेनेंस, बोन्स, टीथ, वूंड्स की हीलिंग के लिए और स्कार टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए काम में आता है. विटामिन सी जो है वो कभी कभी कैंसर प्रिवेंशन का भी काम करता है बाय ब्लॉकिंग द डैमेज मेड बाय फ्री रेडिकल्स, क्योंकि फ्री रेडिकल्स की वजह से जो डैमेज हो जाता है उसे क्योर करने के लिए विटामिन सी यूज़ किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 24 है, हाइड्रोफाइट्स ग्रो इन व्हाट? हाइड्रो मीन्स वाटर. तो वो प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं, वाटर सॉइल में नहीं, वाटर डायरेक्टली वाटर में ग्रो करेंगे, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम. तो सबसे बड़े इकोसिस्टम का एग्जाम्पल एक्वेटिक तो फॉर श्योर है, और उसमें भी कौन से हैं? ओशियंस जो हैं वो सबसे बड़े इकोसिस्टम्स के एग्जाम्पल हैं. तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए. सिंगल लार्जेस्ट बायोम इन द वर्ल्ड आर पिलाजिक. पिलाजिक यानी कि ओपन ओशन एनवायरमेंट्स. ऑन लैंड द लार्जेस्ट बायोम इज द टेगा एंड बोरियल फॉरेस्ट इन द फार नॉर्थ. ये एग्जाम्पल्स हो गए कौन कौन से कि लैंड के अंदर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है. वैसे तो यूजुअल में कौन सा है? ओशियंस हैं, मतलब सब में. 26th क्वेश्चन है, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड. वीनस फ्लाई ट्रैप जो एक इंसेक्टिवरस प्लांट है उसका दूसरा नाम क्या है? डायोनिया. डायोनिया जो है वीनस फ्लाई ट्रैप का एक और नाम है. इसका एक्सप्लेनेशन है, वीनस फ्लाई ट्रैप ऑल्सो कॉल्ड इज वीनस फ्लाई ट्रैप इज अ पेरिनियल कार्निवोरस प्लांट होता है सनड्यू फैमिली का, नोटेबल फॉर इट्स अनयूजुअल हैबिट ऑफ कैचिंग एंड डाइजेस्टिंग इंसेक्ट्स. ये मतलब अलग से एग्जाम्पल क्यों हमने इसको पढ़ा है? क्योंकि एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इंसेक्ट्स को कैच करता है और डाइजेस्ट करता है नाइट्रोजन डिफिशियंसी को कम्प्लीट करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 27 है, पिरामिड ऑफ नंबर इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम. फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अगर हम नंबर के पिरामिड देखें, यानी पहले अगर हम प्रोड्यूसर्स देखें, फिर फर्स्ट लेवल के हर्बीवॉर्स देखें, उसके बाद में कंज्यूमर्स देखें और कंज्यूमर्स देखें, इनके नंबर को अगर हम एक पिरामिड फॉर्म में ड्रॉ करें तो वो पिरामिड कैसा होगा? तो वो पिरामिड होता है अपराइट, यानी कि जो बेस है वो सबसे बड़ा होगा, उसका डायमीटर सबसे ज़्यादा होगा, फिर जो कंज्यूमर्स हैं उनका नंबर रेगुलरली डिक्रीज होता रहेगा. क्वेश्चन नंबर 28, इन अ कम्युनिटी ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिक. कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं किसी भी कम्युनिटी के अंदर? तो चाहे वो कंज्यूमर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, डिकम्पोजर्स हों, सारे ही ऑर्गेनिजम्स एक कम्युनिटी में प्रेजेंट होते हैं. क्योंकि अगर हम केवल कंज्यूमर्स की बात करेंगे
तो वो एक पॉपुलेशन होगी, कम्युनिटी नहीं होगी. और कम्युनिटी बनती है अलग अलग पॉपुलेशंस को ऐड करने पे. यानी अगर हम कंज्यूमर्स की पॉपुलेशन को, प्रोड्यूसर्स की पॉपुलेशन को और डिकम्पोजर्स की पॉपुलेशन को एट ए टाइम एक जगह पे रखें तो वो सारे मिलकर के कम्युनिटी बनाती है. तो सही आंसर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 29 है, इन विच सीजन डू शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर. तो जो हमारा फोटो पीरियडिज्म है उसके बेसिस पे हमने प्लांट्स को शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स में क्लासिफाई किया है, जिसमें जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं उनको जो मिनिमम फोटो पीरियडिज्म है उससे भी कम सनलाइट अगर मिलती है तो भी इनमें फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये स्प्रिंग सीजन में इनमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी. एक्सप्लेनेशन है, दीज प्लांट्स टिपिकली फ्लावर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग लेट स्प्रिंग्स और अर्ली समर डेज एज डेज आर गेटिंग लॉन्गर. क्योंकि लेट स्प्रिंग और अर्ली समर के बाद में जो तो डे का ड्यूरेशन है, डे टाइम, वो एक्सीड हो जाता है, तो वो हमारे लिए सूटेबल होगा जो लॉन्ग ड्यूरेशन प्लांट्स हैं उनके लिए. क्वेश्चन नंबर 30 है, डैश गिव अस द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये स्टेट करता है कि कोई भी अगर एक प्रोसेस हो रहा है और उसको रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मान लीजिए हमने 10 फैक्टर्स हैं, तो उनमें से वो फैक्टर जो लिमिटिंग होगा वो डिसाइड करेगा कि वो प्रोसेस है वो किस रेट से चलेगा या फिर वो प्रोसेस कितने टाइम बाद में स्टॉप हो जाएगा. और ये जो लॉ है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये दिया था ब्लैक मैन ने. तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी. और इसका स्टेटमेंट क्या है? एक और ये 1905 में दिया गया था ये लॉ. व्हेन अ प्रोसेस डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, जब कोई भी प्रोसेस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी तो रेट इज लिमिटेड बाय द पेस ऑफ द स्लोएस्ट फैक्टर. तो उन सब फैक्टर्स में से जो स्लोएस्ट फैक्टर्स होगा वो डिटरमाइन करेगा जो भी वो प्रोसेस में होना है उसके बारे में. क्वेश्चन नंबर 31 है, डैश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड जो होता है वो इंसेक्ट की वजह से जो पॉलिनेशन होता है वो. अब आपको ये टर्म आनी चाहिए कि इंसेक्ट्स की वजह से जो पॉलिनेशन है उसे हम क्या कहेंगे. जो पॉलिनेशन है उसके अंदर हमारा पॉलिनेशन एक इंसेक्ट्स की वजह से होता है, उसके अलावा विंड की वजह से होता है. इंसेक्ट पॉलिनेशन को हम कहते हैं ज़ूफिली, और विंड की वजह से जो पॉलिनेशन है, इंसेक्ट पॉलिनेशन को हम एंटेमोफिली कहते हैं. तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिनेशन का टाइप है वो कौन सा होगा हमारा? एंटेमोफिली. तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी. एंटेमोफिली है इंसेक्ट पॉलिनेशन. मेनी प्लांट स्पीसीज आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स. मैक्सिमम जो प्लांट स्पीसीज है वो इंसेक्ट से पॉलिनेट होती है. कुछ है वो विंड पॉलिनेशन भी होता है उनमें, जो ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलन बाय इंसेक्ट इज अ वाइटली इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर मेनी प्लांट्स. और प्लांट्स के लिए जो पॉलिनेशन इवेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना उनमें न्यू प्रोजेनीज का फॉर्मेशन होगा ही नहीं. क्वेश्चन नंबर 32 है, स्पॉट द बायोटिक फैक्टर्स. बायोटिक मतलब जिनमें लाइफ प्रेजेंट होती है. इनके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो प्लांट्स भी बायोटिक हैं, एनिमल्स बायोटिक हैं, माइक्रोब्स भी बायोटिक हैं. तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 33 है, ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस इन विच. डीएनए से अगर डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है. उसके बाद में डीएनए से अगर एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. और एमआरएनए से जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन. हमसे पूछा है ट्रांसक्रिप्शन, तो डीएनए से एमआरएनए की जो सिंथेसिस है वो हमारी कौन सी होगी? ट्रांसक्रिप्शन. तो करेक्ट आंसर कौन सा है यहाँ पे? एमआरएनए इज फॉर्म फ्रॉम डीएनए, यानी कि ऑप्शन सी. एक्सप्लेनेशन है इसका, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन इन अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू न्यू मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर आरएनए. जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर्ड है वो पास हो जाती है किसमें? आरएनए में, जहां से फर्दर वो ट्रांसफर होगी प्रोटीन फॉर्मेशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ. फाइको जो टर्म है वो यूज़ किया जाता है एल्गी के लिए, और माइको टर्म जो यूज़ किया जाता है वो फंगाई के लिए यूज़ किया जाता है. तो फाइकोलॉजी किसकी स्टडी होगी? लॉजी होता है स्टडी, एंड फाइको मीन्स एल्गी. तो यहाँ हम स्टडी करेंगे एल्गी के बारे में. क्वेश्चन नंबर 35 है, ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स कैन बी रेफर्ड टू एज. अ ग्रुप मतलब एक ग्रुप है प्लांट्स का, उसे हम क्या कह सकते हैं? पॉपुलेशन कह सकते हैं. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी. एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स जब हैं हमारे पास और उनका अगर ग्रुप है तो वो क्या होगा? उस ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन. A population is defined as a group of individuals of same species living and interbreeding with a given area. So, interbreeding वाला characteristic है वो important होता है. Population जो होता है उसके अंदर interbreeding present होती है.
क्वेश्चन नंबर 36 है, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड वन मोर जो हम ब्लैंक दिया है हमें, आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू फोटो पीरियड. फोटो पीरियडिज्म के अकॉर्डिंग जो हमने तीन क्लासेस बनाई हुई हैं प्लांट्स की, तो उसमें तीसरा नाम पूछा है वो कौन कौन सी थी. एक था लॉन्ग डे प्लांट, एक शॉर्ट डे प्लांट और तीसरा है डे न्यूट्रल प्लांट. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन ए, दैट इज डे न्यूट्रल प्लांट. फोटोपीरियडिज्म क्या है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द लेंथ ऑफ डे और नाइट. जितने टाइम के लिए उनको लाइट का एक्सपोजर मिलता है उस बेसिस पे हमने प्लांट्स में जो फ्लावरिंग है उसे ऑब्जर्व किया है और उसे अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया है. इसे हम कहते हैं फोटोपीरियडिज्म. ये प्लांट्स के लिए ज़्यादा एसेंशियल है क्योंकि ये फ्लावरिंग जो है वो इस पर डिपेंड करती है. 37 क्वेश्चन है, डैश एग्जिबिट हाइग्रोकेसी. हाइग्रोकेसी होता है जो हमारे फ्रूट्स हैं वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके उसके बाद में वहाँ पे ओपनिंग होती है फ्रूट की, और ये जो है वो देखने को मिलता है ज़ेरोफाइट्स में. तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 38 है, द लार्ज कार्निवोरस फिश इज. कार्निवोरस फिश जो है, फिश जो है यहाँ पे शार्क, डॉल्फिन और बीवर में से जो शार्क है वो एक कार्निवोरस फिश है. तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए. एक्सप्लेनेशन है इसका, सम फिश प्रेफर लाइव प्रे एंड मे ओनली ईट फूड दैट दे कैन हंट एंड किल. अदर फिश एंड इंसेक्ट्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फूड फॉर दीज फिशेज. कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जो खुद हंटिंग करती है, अपना प्रे खुद फाइंड करती है और फिर उसे खाती हैं. ऑन द अदर हैंड कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जो मरे हुए जो श्रिम्प्स वगैरह हैं उनको उन पर फीड करती हैं. जैसे कार्निवोरस फिशेज में हमारे पास एग्जाम्पल है एकारा का, बेटास का, हैच फिश का, ऑस्कर का और पिराना का, जिसमें से क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ था उसमें करेक्ट आंसर है शार्क. क्वेश्चन नंबर 39 आइकॉर्निया के बारे में पूछा है. आइकॉर्निया एक वीड है, एक हाइड्रोफाइट है, वाटर में प्रेजेंट होता है. तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसका, ऑप्शन ए. एक्सप्लेनेशन है, आइकॉर्निया जिसका दूसरा नाम वाटर हाइसिन है इज अ जीनस ऑफ एक्वेटिक फ्लावरिंग प्लांट और इसकी फैमिली है पॉन्टीडरेसी. ठीक है, फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेजर थिंग इसके बारे में ये है कि एक वीड है और एक्वेटिक प्लांट है. क्वेश्चन नंबर 40 है एनवायरमेंटल बायोलॉजी. एनवायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी को तो हम एज सिनोनिम्स टर्म यूज़ करते हैं, तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी से हम क्या समझते हैं, इकोलॉजी. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी. एक्सप्लेनेशन है, इकोलॉजी जो है इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी की वो ब्रांच जहाँ पे हम एनवायरमेंट की इंटरेक्शंस को स्टडी करेंगे या फिर दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके इंटरेक्शंस जो हैं आपस में वो स्टडी करेंगे, या फिर जो एक ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरमेंट की जो भी हमारे इंटरेक्शंस हैं वो, यानी कि ये इंटरेक्शंस दो बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में भी हो सकते हैं या फिर एक बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में भी हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 41 है हेलोफाइट्स सेल सैप इज ऑफ. हेलोफाइट्स यानी कि वो प्लांट्स जो ऐसे एरियाज में ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उनका सेल सैप है वो कैसा होगा. तो उनकी सेल सैप जो है उनके अंदर भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा. तो करेक्ट आंसर कौन सा, इट इज़ ऑफ हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि टेम्परेचर के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं. विस्कोसिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी ये सब चीज़ें भी शुरू में नहीं बता सकते, पर कंसंट्रेशन जो है जो भी सॉल्ट्स वगैरह हैं उनकी ज़रूर यहाँ पे ज़्यादा होगी. एक्सप्लेनेशन है द बिल्डअप ऑफ सॉल्ट्स इन द प्लांट साइटोप्लाज्म जनरली इंक्रीजेस अंटिल इट इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन फाउंड इन द सॉइल. एक्चुअली सॉल्ट्स के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि जो भी सेल सैप के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन है वो तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि जो हमारा सेल के अंदर जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो और जो बाहर जिस सेलाइन मीडियम में ये हमारा प्लांट ग्रो कर रहा है उसका सॉल्ट सोल्यूशन जो है जब तक ये दोनों कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती. तो ऑब्वियसली सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी. Thereby sustaining adequate water intake and cell turnover necessary for continued growth and survival. By maintaining high internal salt levels, they are able to avoid many of the associated ill effects of dehydration. और इनके cells के अंदर जो increasing salt concentration है वो इन्हें dehydration से भी बचाता है. तो ये बात कर ली हमने cell sap की helophytes के अंदर. क्वेश्चन नंबर 42 है इन द एटमोसफियर इनर्ट गैसेस आर. इनर्ट गैसेस जो है एटमोसफियर में होती हैं या नहीं होती हैं, तो एटमोसफियर में तो हर तरह की गैस प्रेजेंट है तो इनर्ट गैसेस भी प्रेजेंट होंगी. तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी, दैट इज प्रेजेंट.
एटमोसफियर में सारी तरह की गैसेस हैं, कुछ स्मॉल अमाउंट्स में हैं, कुछ ज़्यादा अमाउंट्स में हैं, कुछ पोल्यूटेंट्स भी हैं, ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं, और इसी तरह इनर्ट गैसेस भी प्रेजेंट हैं। आर्गेनिक एग्जांपल है इनर्ट गैस का, और ये जो एटमोसफियर की सारी गैसेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा में अगर हम कैलकुलेट करें तो थर्ड पोजिशन पर आती है आर्गन। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्मॉलेस्ट प्लांट कौन सा है, फ्लावर कौन सा है वर्ल्ड का। तो वॉल्फिया जो है वो सबसे छोटा फ्लावर है वर्ल्ड का, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इज वाटर मील और वॉल्फिया ग्लोबोसा, जो इसका पूरा नाम है। फाउंड ऑल ओवर द प्लैनेट, दिस ब्राइट ग्रीन ओवल प्लांट इज अबाउट द साइज ऑफ अ ग्रेन ऑफ राइस, एक चावल के दाने जितनी साइज होती है इस पूरे प्लांट की, तो ऑब्वियसली इसका फ्लावर जो है वो भी सबसे छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, नो लाइट जोन है। जब हम एक लेक का स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें अलग अलग जोन्स हम क्लासिफाई करते हैं, तो जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे नो लाइट जोन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो जो टाइडल जोन होता है वो होता है नो लाइट जोन। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पे, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ्स दी हुई हैं, एट अ डेप्थ ऑफ 4,000 to 6,000 मीटर दिस जोन रिमेन्स इन परपेचुअल डार्कनेस, एकदम डार्क होता है यहाँ पे, जिसे हम कहेंगे डार्क जोन। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टू पैरासाइट। तो पैरासाइट्स को हम तीन टाइप से क्लासिफाई करते हैं, एक क्वेश्चन में दिया है एक्टू, एक एंडो और एक होता है ब्रूड पैरासाइटिज्म, जो अभी हमारे काम का नहीं है। एक्टू पैरासाइट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी की सरफेस पे रहते हैं और फिर वहाँ से हम पे डिपेंड करेंगे। एंडो पैरासाइट्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। एक्टो पैरासाइट्स में जैसे पहला एग्जाम्पल है लाइस या जूम, ये सबको पता है ये हमारी बॉडी की सरफेस पे रहती है, वहीं से ब्लड सक करती हैं, जो भी इनके रिक्वायरमेंट्स है वो वहाँ से कंप्लीट हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन है, लाइस जो है वो ब्लड फीडिंग एक्टो पैरासाइट्स होते हैं, ब्लड पे फीड करेंगे तो वो तो सरफेस पे रहने से भी इनको ब्लड मिल जाता है। लाइस के अलावा जो टिक्स होती हैं डॉग्स पे प्रेजेंट होती हैं, वो भी एक्टो पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडो पैरासाइट। अब नीचे जो दिया हुआ है उनमें से एंडो पैरासाइट्स कौन कौन से, मलेरियल पैरासाइट, मॉस्किटो या वेक्टर। तो वेक्टर जो होते हैं वो कभी भी पैरासाइट्स नहीं होते, उनका काम सिर्फ होता है डिजीज के कैरियर की तरह वो वर्क करते हैं, वो जो भी इन्फेक्टिव फॉर्म्स होती हैं उनको नॉर्मल इंडिविजुअल्स में ट्रांसफर कर देते हैं डिफरेंट मेथड से, तो वो एंडो पैरासाइट्स नहीं है क्योंकि वेक्टर कभी भी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करता। लेकिन जो मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करेगा वो एक एंडो पैरासाइट का एग्जाम्पल है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, इफ इन अ बायोलॉजिकल रिलेशन द पार्टनर्स आर हार्म्ड देन द रिलेशन इज। ऐसा कोई बायोलॉजिकल रिलेशनशिप या ऐसा कोई पॉपुलेशन इंटरैक्शन जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें से कोई भी एक है जिसे हार्म हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंटरैक्शन है जिसमें दोनों स्पीसीज हैं उनको फायदा होता है, दोनों का एडवांटेज होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सिम्बायोसिस भी एक म्यूचुअलिज्म का ही एग्जाम्पल है जिसमें दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सर्वाइवल के लिए उन दोनों स्पीसीज का आपस में रहना ज़रूरी हो। एंटागोनिज्म जैसे पता चल रहा है, एंटागोनिस्ट जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसमें एक स्पीसीज है उसको एडवांटेज होता है और दूसरी स्पीसीज को लॉस होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर भी कौन सा होगा, एंटागोनिज्म। और कमेंसालिज्म जैसे सब जानते हैं, यहाँ पे एक स्पीसीज को एडवांटेज होता है और दूसरी स्पीसीज जो है वो न्यूट्रल रहती है। तो ये कुछ बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स के एग्जाम्पल थे। एंटागोनिज्म वो इंटरैक्शन है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, यानी कि दूसरे को लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज विंग्ड। अब ये भी एक मॉडिफिकेशन है क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो सीड है उसके डिस्पर्जल को बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस तक डिस्पर्स करना होता है, तो ऐसे प्लांट्स के अंदर फ्रूट जो है वो विंग्ड होता है ताकि वो विंग्ड होता है ताकि विंड के साथ में वो ईजिली मूव कर सके। तो समारा एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर जो फ्रूट है वो विंग्ड होता है, तो ये आप डायरेक्टली याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, डैश इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है ये हॉस्ट पे ही डिपेंड करेगा, ये खुद से कुछ भी नहीं बना सकता, इसको जो भी न्यूट्रिशन है, फूड है, वाटर है, हर चीज़ के लिए ये डिपेंड करेगा हॉस्ट के ऊपर, इसे हम कहेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट। और इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। ऑब्लिगेट पैरासाइट या उसके लिए एक और टर्म जो है वो कौन सी है, हॉलो पैरासाइट। एक ऐसा पैरासाइट होता है दैट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट एक्सप्लॉइटिंग अ सूटेबल हॉस्ट। जैसे अगर एक सूटेबल हॉस्ट नहीं मिलेगा तो वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। इफ एन ऑब्लिगेट पैरासाइट कैन नॉट ऑब्टेन अ हॉस्ट इट विल फेल टू रिप्रोड्यूस, उसका रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। कस्कटा इज अ लार्ज एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जीनस। कस्कटा एक एग्जाम्पल है
जो कि एक ऑब्लिगेट पैरासाइट का एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे ऑब्लिगेट पैरासाइट, सॉरी राइजोपस नहीं है, बेसिकली जो ऑब्लिगेट पैरासाइट का एग्जाम्पल है वो है कस्क्यूटा. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 50 है, एल्बेट्रॉस क्या होता है? एल्बेट्रॉस एक बहुत बड़ी बर्ड है. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन सी. और अगर हम बात करें, एल्बेट्रॉस इज अ वेरी लार्ज चीफली वाइट ओशियनिक बर्ड है ये. इसके विंग्स जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, और ये यूजुअली हमें कहाँ मिलती है? सदर्न ओशंस में मिलती है. तो ये हमने बात करी आज के MCQs की. आज के लिए इतना ही था. थैंक यू.